अथाष्टाविंशो अध्याय श्री रामचरित वर्णन जन्मेजय उवाच। धनी रे गा मामा रे गा पामा गा पा गारे निसा। धनी रे गा पामा रे गा पामा गा पा गारे निसा। रामेण तच्चेण व्रतं देव्यः सुखप्रदं राजभ्रष्टः कथं सोत कथं सीता हृता पुनः। जन्मेजय बोले, श्री राम ने भगवती जगदम्बा के इस सुख प्रदायक व्रत का अनुष्ठान किस प्रकार किया, वे राज्यच्युत कैसे हुए और फिर सीता हरण किस प्रकार हुआ। व्यास उवाच। राजा दशरथ श्रीमान अयोध्याधिपतिर्पुरा सूर्यवंशधरश्चासि देव्य ब्राह्मण पूजकः। व्यास बोले, पूर्व काल में श्रीमान महाराज दशरथ अयोध्यापुरी में राज करते थे। वे सूर्यवंश में श्रेष्ठ राजा के रूप में प्रतिष्ठित थे और वे देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजन किया करते थे। चत्वर जगीरे तस्य पुत्र लोकेशो वेश्रुतः राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरश्चेति नामतः राज्ञः प्रियकरः सर्वे सदृशा गुरु रूपतः कौसल्यायाः सुतो रामः कैकेय्याः भरतः स्मृतः सुमित्रतनयौ जातौ यमलौ द्वौ मनोहरौ त्रिजतौ वैकिशोराश्च धनुर्बाणधरः किलः। उनके चार पुत्र उत्पन्न हुए जो लोक में राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न नाम से विख्यात हुए। गुण तथा रूप में पूर्ण समानता रखने वाले सभी महाराज दशरथ को अत्यंत प्रिय थे। उनमें राम महारानी कौशल्या के तथा भरत महारानी कैकेयी के पुत्र कहे गए। रानी सुमित्रा के लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न नाम वाले जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए। विचारों किशोरावस्था में ही धनुष बाणधारी हो गए। कौशिकेन तदागत्य प्रार्थितो रघुनन्दनः। महाराज दशरथ ने सुख बढ़ाने वाले अपने चारों पुत्रों के संस्कार भी संपन्न कर दिए। तब एक समय महर्षि विश्वामित्र ने दशरथ के यहाँ आकर उनसे रघुनंदन राम को मांगा। राघवम् मकराक्षार्थम् सूनुम् षोडश वार्षिकम् तस्मै सोऽयम् ददो रामम् कौशिकाय सलक्ष्मणम्। महाराज दशरथ ने यज्ञ की रक्षा के लिए लक्ष्मण सहित 16 वर्षीय पुत्र राम को विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। तो सामेत्य मुनि मार्ग जगमतुश्चारु दर्शनौ तटकनेह तामार्ग राक्षसी घोर दर्शनौ रामेण केन बाणेन मुनीनां दुख दासदा यज्ञ रक्षा कृता तत्र स्वबाहो निर्हत शतः मरीचोऽथ मृत पाय निक्षिप्तो बाण विगतः एवं कृत्वा महत् कर्म यज्ञस्य परिरक्षणम् ततस्ते मिथिलां सर्वे राम लक्ष्मण कौशिकः अहल्या मोचिता शापात् निष्पापा सकृता फला। प्रिय दर्शन, वे दोनों भाई मुनि के साथ मार्ग में चल दिए। रामचंद्र जी ने मुनियों को सदा पीड़ित करने वाली तथा अत्यंत भयानक रूप वाली ताड़का को रास्ते में ही मात्र एक वाण से मार डाला। उन्होंने दुष्ट सुबाहु का वध किया तथा मरीचि को अपने वाण से दूर फेंक कर उसे मृत प्राय कर दिया और यज्ञ की रक्षा की। इस प्रकार यज्ञ रक्षा का महान कृत्य सम्पन्न करके राम लक्ष्मण तथा विश्वामित्र ने मिथिलापुरी के लिए प्रस्थान किया। जाते समय मार्ग में राम ने अबला अहल्या को शाप से मुक्ति प्रदान करके उसे पाप रहित कर दिया। विदेह नगरे तोतु जगमतुर्मुनिना सह पञ्च शिव च पञ्च जनकेन परिकृतम् उपयमे ततः सीता जानकीं च रमाशजां लक्ष्मणाय ददौ राजा पुत्रीमेकां तत् उर्मिला।
इसके बाद वे दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंच गए और वहां श्री राम ने जनक जी द्वारा प्रतिज्ञा के रूप में रखे शिव धनुष को तोड़ दिया और लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न जनक नंदिनी सीता के साथ विवाह किया। राजा जनक ने दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ कर दिया। तथा भरत शत्रुघ्न सुशील शुभ लक्षण। शीलाशील संपन्न तथा शुभ लक्षणों से युक्त दोनों भाई भरत तथा शत्रुघ्न ने कुशध्वज की दोनों पुत्रियां मांडवी और तथा शुद्ध कीर्ति को पत्नी रूप में प्राप्त किया। एवं दर क्रियास्ते प्रतिणम चाभवन रिप चतुर्णाम मिथिलायां तु यथा वेधि विधानतः। हे राजन, इस प्रकार उन चारों भाइयों का विवाह मिथिलापुरी में ही विधि विधान से संपन्न हुआ। राज्य योग्यम सुतम दृष्ट्वा राजा दशरथस्तदा रघुवाय धूरं दातुं मनश्चक्रे निजायवे। तत्पश्चात महाराजा दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम को राज्य करने की योग्य देखकर उन्हें राजभार सौंपने का मन में निश्चय किया। संभारम विहितं दृष्ट्वा केकेयि पूर्वकल्पिता वरो संप्रार्थयामास भर्तारं वशुवर्तिनम्। राज तिलक संबंधी सामग्रियों का प्रबंध हुआ देखकर रानी केकेयी ने अपने वशीभूत महाराज दशरथ से पूर्वकल्पित दो वरदान मांगे। राज्यं सुताय चकेन भरताय महात्मने रामय वनवासं च चतुर्दश समास्तथा। उसने पहले वरदान के रूप में अपने पुत्र भरत के लिए राज्य तथा दूसरे वरदान के रूप में महात्मा राम को 14 वर्षों का वनवास मांगा। रामस्तु वचनातस्य सीता लक्ष्मण संयुतः जगाम दंड कारण्यम राक्षस रूप सेवितम्। कैकेयी के यह वचन मानकर श्री रामचंद्र जी सीता तथा लक्ष्मण के साथ दंडक वन चले गए जहाँ राक्षस रहते थे। राजा दशरथ पुत्र विरहेण प्रपीडितः जहो प्राणान मे आत्मा पुरुषापमान स्मरन्। तदनंतर पुत्र के वियोग जनित शोक से संतप्त पुण्यात्मा दशरथ ने पूर्व काल में एक ऋषि द्वारा प्रदत्त शाप का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। भरतः पितरं दृष्ट्वा कृतं मातृकृतेन वै राज्यमृद्धं न जग्राह क्रतुः प्रिय चिकीर्षया। माता कैकेयी के कृत्य के कारण पिताजी की मृत्यु देखकर भरत जी ने भाई श्री राम का हित करने की इच्छा से अयोध्या का समृद्ध राज्य स्वीकार नहीं किया। पंचवट्यां वसन् राम रावणावर जांवने शूर्पणखं विरूपं वै चकर राति स्मरत राम। उधर पंचवटी में निवास करते हुए श्री राम ने रावण की छोटी बहन अक्षय का मातृ तो शूर्पणखा को कुरूप बना दिया। करदयस्तुतां दृष्ट्वा छिन्ना सामने साचरः चक्रुः संग्राम मातुलं रामेणामित तेजसा। तब खरदूषण आदि राक्षसों से उसे कटी हुई नासिका वाली देखकर अमित तेजस्वी राम के साथ घोर संग्राम किया। सजघान खरा देश दत्यानाति बलान्वितान् मुनिनां हितमन्वेक्षन् रामः सत्य पराक्रमः। उस संग्राम में सत्य पराक्रमी श्री राम ने मुनियों का कल्याण करने की इच्छा से अत्यंत बलशाली खर आदि राक्षसों का संहार कर दिया। गत्वा शूर्पणखालङ्कं खरदूषण घातनम् दूषिता कथयामास रावणाय च राघव। तत्पश्चात लंका जाकर उस दुष्ट शूर्पणखा ने राम के द्वारा खर दूषण के संहार का समाचार रावण से बताया। सुविश्रुत्वा विनाशं त्वं ततः क्रोध वशखलः जगाम रथमारोह्य मारीचस्याश्रमं तदा। वह दुष्ट रावण भी संहार के विषय में सुनकर अत्यंत क्रोधित हो उठा और तब रथ पर सवार होकर वह मरीच के आश्रम में पहुंच गया। कृत्वा हेम मृगं नेतुं प्रेषयामास रावणः सीता प्रलोभनार्थाय मायावीनं संभवम्।
सीता हरण के उद्देश्य से रावण ने मायावी मरीच को असंभव स्वर्ण मृग बनाकर सीता को प्रलोभित करने के लिए भेजा। सुत हेम मृगो सीता दृष्टि पथम गतः माया विचाति चेत्रांगश्चरण काबल मंतिके। तत्पश्चात वह मायावी मरीची अत्यंत अद्भुत अंगों वाला स्वर्ण मृग बनकर चढ़ते चढ़ते सीता जी के सन्निकट पहुंच गया और उन्होंने उसे देख लिया। जानकी राघवम देवनोदिता चर्मनया स्वकांते स्वाधीन पति कायथा। उसे देखकर देवी प्रेरणा से स्वाधीन पति का स्त्री की भांति सीता ने श्री राम से कहा, हे कांत, आप इस मृग का चर्म ले आइए। अविचार्यथ रामोऽपि तत्र संस्थाप्य लक्ष्मणं सशरं धनुरादाय ययो मृग पदानुगः। राम भी बिना कुछ सोचे समझे लक्ष्मण को सीता के रक्षार्थ वहीं छोड़कर धनुष तथा बाण लेकर उस मृग के पीछे पीछे दौड़ पड़े। तरंगोपी हरिम दृष्ट्वा माया कोटि विशारदः दृश्य दृश्यो बभूवात् जगमचवनान्तरम्। करोड़ों प्रकार की माया रचने का ज्ञान रखने वाला मृग रूपधारी वह मरीची भी राम को अपने पीछे दौड़ता देखकर कभी दिखाई पड़ते हुए तथा कभी आंखों से ओझल होते हुए एक वन से दूसरे वन में बहुत दूर चला गया। मत्वा हस्तगतं राम क्रोधान कृष्ट धनु पुनः जघन चाति तीक्ष्णेन शरेण कृत्रिम मृगम्। राम ने अब उसे हस्तगत समझकर क्रोध पूर्वक धनुष खींचकर अत्यंत तीक्ष्ण मां से उस कृत्रिम मृग को मार डाला। सहतोति बलात्तेन शुक्रोश मृग दुःखितः हा लक्ष्मण हतोऽस्मीति माया विनाश्वरः खलः। राम के प्रबल प्रहार से आहत होकर वह मरणोन्मुख मायावी तथा नीच मृग चीख चीख कर चिल्लाने लगा, हा लक्ष्मण, अब मैं मारा गया। सशब्दस्तु मूलस्तावत् चाणक्या संश्रुतस्तदा राघवस्येति सामत्व दीन देवरमब्रवीत् गच्छ लक्ष्मण तूर्णं त्वं हतोऽसौ रघुनन्दनः त्वमाह वयति सौमित्रे साहाय्यं कुरु सत्वरम्। उसके गगन भेदी चीत्कार की ध्वनि को सीता ने सुन लिया, यह तो राम की पुकार है। ऐसा मानकर उन्होंने दुखी होकर देव और लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है कि वे रघुनंदन राम आहत हो गए हैं, अतः तुम शीघ्र जाओ। हे सुमित्रानंदन, वे तुम्हें पुकार रहे हैं, वहाँ शीघ्र ही पहुँच कर उनकी सहायता करो। लक्ष्मण सीता मम राम वदादपि अहं गच्छेद्य मुक्तात्वा मसहायमि आश्रमे आज्ञामि राघवस्यात्र तिष्ठति जनकात्मजे तदतिक्रमभीतोऽहं न त्यजामि तवान्तिकाम् दूरं वैराघवं दृष्ट्वा वने मायाविना किल त्यक्त्वा त्वां नाधिगच्छामि पद्मिकं शोचे स्मृते गुरुधर्यं न मान्येद्य रामं हन्तुं क्षमं चितौ अहं त्यक्त्वा गमिष्यामि विलङ्घ्य राम भाषितम्। तब लक्ष्मण जी ने सीता जी कहा, हे माता, राम का वध ही क्यों न हो, मैं आपको इस आश्रम में इस समय असहाय छोड़कर वहाँ नहीं जा सकता। हे जनक नंदिनी, मुझे राम की आज्ञा है कि तुम इसी आश्रम में रहना, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने में मैं डरता हूँ, अतः आपका सामीप नहीं छोड़ सकता। हे शुचि स्मृते, वह मायावी भगवान श्री राम को बहुत दूर दौड़ा ले गया, यह जान करके मैं आपको छोड़कर यहाँ से एक पग भी नहीं जा सकता। आप धैर्य धारण कीजिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इस समय संपूर्ण पृथ्वी लोक में श्री राम को मारने में कोई समर्थ नहीं है। राम के आदेश का उल्लंघन करके तथा आपको यहाँ छोड़कर मैं नहीं जाऊँगा। व्यास उवाच। रुदति सुरदति प्राह तं तदा विधि नोदिता अक्रूर वचनं क्रूरं लक्ष्मणं शुभलक्षणम्। व्यास जी बोले, तत्पश्चात सुंदर दांतों वाली तथा सौम्य स्वभाव वाली सीता ने देव से प्रेरित होकर शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण से रोते हुए यह कठोर वचन कहा। अहम जानामि सौमित्र सानुरागम च माम प्रति प्रेरितं भरतेनैव मदर्थमिह संगतम्। हे
हे सुमित्रा तने, अब मैं जान गई कि तुम मेरे प्रति अनुराग युक्त हो और भरत की प्रेरणा से मेरे प्रयोजन से यहाँ आए हो। ना हम तथा विधानारी स्वर्णि कुह का धम भृते रामे पतिं त्वं न कर्तुम इच्छामि कामतः। हे गुहादम, मैं उस तरह की स्वच्छंद स्त्री नहीं हूँ। मैं राम के मृत हो जाने पर भी सुख के लिए तुम्हें अपना पति कभी नहीं बना सकता। नागमेश्यति चेद्राम जीवितं संत्यजाम्यहम् विनतेन जीवामि विदुर दुःखिताभृशम्। यदि राम नहीं लौटेंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि उनके बिना मैं विधवा होकर अत्यधिक दुखी जीवन नहीं जी सकती। प्रच्छवातिष्ठ सौमित्र न जाने हम तवेप्सितम् वगतम् ते त्रिसौहार्द्रम् ज्येष्ठे धर्मरति किल। हे लक्ष्मण, तुम जाओ या रहो, मुझे तुम्हारी वास्तविक इच्छा का पता नहीं है। धर्मपरायण ज्येष्ठ भाई के प्रति आपका प्रेम अब कहाँ चला गया? श्रुत्वा वचनं तस्य लक्ष्मणो दीनमानसः प्रोवाच रुद्र कंठस्थु तं तदा जनकात्मजः। सीता का यह वचन सुनकर लक्ष्मण के मन में अत्यधिक कष्ट हुआ। रुदन के कारण रुधे कंठ से उन्होंने जनक नंदिनी सीता से कहा, किमाथ क्षितिजे वाक्यं मयि क्रूरतरं किल किं वदस्यन्त्यनिष्टं ते अविजाने धियाह्यहम्। हे भूमि कन्या, आप इस प्रकार के अति कठोर वचन मेरे लिए क्यों कह रही हैं? मेरा मन तो यह कह रहा है कि आपके समक्ष कोई अनिष्टकर परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। इत्युक्त्वा निर्ययो वीर तं त्यक्त्वा प्ररुदन् भृशम् अग्रजस्य ययो पश्यत् शोकार्द्रः पृथिवीपते। व्यास जी ने कहा, हे महाराज, जन्मे जय ऐसा कहकर अत्यधिक विलाप करते हुए वी लक्ष्मण सीता को वहीं छोड़कर चल दिए और अत्यधिक शोकाकुल होकर बड़े भाई राम को चारों ओर देखते हुए आगे की ओर बढ़ते गए। गथित लक्ष्मणे तत्र रावणः कपटाकृति भिक्षुवेशं ततः कृत्वा प्रविवेशतदाश्रमे। इस प्रकार लक्ष्मण के वहाँ से चले जाने पर कपट स्वभाव वाले रावण ने साधु वेश धारण कर उस आश्रम में प्रवेश किया। जानकी तम यतिं मत्वा तत्वार्थ्यं वन्यमादरा लक्ष्यं समर्पयामास रावणाय दुरात्मने। जानकी उस दुष्ट आत्मा रावण को सन्यासी समझकर आदर पूर्वक वन्य सामग्रियों का अर्घ्य प्रदान करके भिक्षा देने लगी। तप प्रक्षस दुष्टात्मा नम्र पूर्वम मृदुस्वरम काशी पद्म पराशाक्षी वनचकाकिनी प्रिये। तब उस दुरात्मा ने अत्यंत विनम्र भाव से मधुर वाणी में सीता जी से पूछा, हे पद्म पत्र के समान नेत्रों वाली प्रिय, तुम कौन हो और इस वन में अकेली क्यों रह रही हो? पिता कस्थित वामोर प्रातः कह कह पति सव बूढ़े व काकिनी चात्र सीता सीवर वर्णिनी। हे वामोरु, तुम्हारे पिता कौन हैं और तुम्हारे भाई तथा पति कौन हैं? हे सुंदरी, तुम एक मूल स्त्री की भांति यहाँ अकेली क्यों रह रही हो? निर्जने विपिने किन्तु सौधार्हात्वमसि प्रिये उतजे मुनि पत्नी व देव कन्या समप्रभा। हे प्रिय, इस निर्जन वन में क्यों रह रही हो? तुम तो महलों में निवास करने योग्य हो। देव कन्या के समान कांति वाली तुम एक मुनि पत्नी की भांति इस कुटिया में क्यों रह रही हो? व्यास उवाच। इति तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच विदेहजा दिव्यं दृष्ट्या यतिं ज्ञात्वा मन्दोदर्यः प्रतितदा। व्यास जी बोले, हे राजन, उसका यह वचन सुनकर विदेह कन्या सीता जी ने मंदोदरी के पति रावण को दैववश एक दिव्य सन्यासी समझकर उत्तर दिया। राजा दशरथ श्रीमान चत्वारस्तस्य वैसुतः तेषु ज्येष्ठः पतिर्मेस्तु रामनामेति विश्रुतः। दशरथ नामक लक्ष्मी संपन्न एक राजा हैं, उनके चार पुत्र हैं, उनमें सबसे बड़े पुत्र जो राम नाम से विख्यात हैं, वे ही मेरे पति हैं। देवासितो कैकेय्य कृते भूपति नावरे
चतुर्दश समाराम वसते त्र सलक्ष्मण। कैकेयी ने महाराज दशरथ से वरदान मांगकर राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिला दिया। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ अब यहीं पर रह रहे हैं। जनकस्य सुता चाह सीता नाम्नी ते वेश्रुता भक्त्वा शैवं धनुः कामं रामेणाहं विवाहिता। मैं राजा जनक की पुत्री हूँ तथा सीता नाम से विख्यात हूँ। शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम ने मेरा परिग्रहण किया है। राम बाहुबले नात्र वसमो निर्भयावने कांचनम विगमालोक्य हन्तुं मे निर्गतपते। उन्हीं राम के बाहुबल का आश्रय लेकर मैं निर्भीक होकर इस वन में रहती हूँ। एक स्वर्ण मृग देखकर उसे मारने के लिए मेरे पति गए हुए हैं। लक्ष्मणो भी पुनः श्रुत्वा रवम भ्रातृगतो धुना तयोर् बाहुबलादत्त निर्भयाहं वसामि वे। अपने भाई का शब्द सुनकर लक्ष्मण भी इस समय उधर ही गए हुए हैं। उन्हीं दोनों के बाहुबल से मैं यहाँ निडर होकर रहती हूँ। मैदं कथितं सर्वं वृतांतं वनवासके चित्रागत्याहणं तेव करिष्यन्ति यथा विधि। मैंने आपको वनवास संबंधी अपना संपूर्ण वृतांत बता दिया। अब वे लोग यहाँ आकर आपका विधि पूर्वक सत्कार करेंगे। यतिर्विष्णु स्वरूपोऽसि तस्मात् त्वं पूजितो मया आश्रमो वेपिने घोरे कृतोऽसि राक्षसां कुले तस्मात् त्वं परिप्रेक्षामि सत्यं ब्रूहि ममाग्रतः कोऽसि त्रिदण्डी रूपेण विपिने त्वं समागतः। सन्यासी विष्णु रूप होता है, इसीलिए मैंने आपकी पूजा की है। राक्षसों के समुदाय द्वारा सेवित इस भयंकर जंगल में यह आश्रम बना हुआ है, इसीलिए मैं आपसे यह पूछती हूँ कि त्रिदंडी के रूप में यह इस वन में पधारे हुए आप कौन हैं? आप मेरे समक्ष सत्य कहिए। रावण उवाच। लंकेशो हमारा राक्ष श्रीमान मंदोदरी पति त्वत्कृते तु कृतं रूपं वयेत्थं शुभ नाकृते। रावण बोला, हे हंस नयने, मैं मंदोदरी का पति तथा लंका का नरेश श्रीमान रावण हूँ। हे सुंदर आकृति वाली, तुम्हारे लिए मैंने इस प्रकार का वेश बनाया है। आगतो हम बरारोहे अग्निय प्रेरितो ध्रुवे जनस्थाने हतो श्रुत्वा प्रतरो कर दूषणो। हे सुंदरी, जनस्थान में अपने भाई खरदूषण के मारे जाने का समाचार सुनकर तथा अपनी बहन सुपर्णखा द्वारा प्रेरित किए जाने पर मैं यहाँ आया हूँ। अंगीकुरु नृपं मां त्वं त्यक्त्वा तं मानुषं पतिं धृतराज्यं गतश्रीकं निर्बलं वनवासिनम्। अब तुम उस राज्य च्युत लक्ष्मीहीन निर्बल वनवासी तथा मानव योनि वाले पति को छोड़कर मुझ राजा को स्वीकार कर लो। पटरागी भव त्वं मंदोदर परिस्फुटम् दासोस्मितावतन्वंगी स्वामिनी भव भामिनी। तुम मेरी बात सुनकर मंदोदरी से भी बड़ी पटरानी बन जाओ। मैं सत्य कहता हूँ, हे तन्वंगी, मैं तुम्हारा दास हूँ। हे भामिनी, तुम मेरी स्वामिनी हो जाओ। जेताम लोक पारान पतमितव पादयो कर्म गृहाण मेत्यर्थम सनातम करो जानकी। समस्त लोकपालों पर विजय प्राप्त करने वाला मैं तुम्हारे चरणों पर पड़ता हूँ। हे जनक नंदिनी, तुम इस समय मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे सनात कर दो। पिता ते याचितः पूर्वं मया त्वत्कृते बले जनको मामुवाचेतं पाणबन्धो माया कृतः। हे अबले, मैंने पहले भी तुम्हारे पिता जनक से तुम्हें प्राप्त करने की याचना की थी, किंतु उस समय उन्होंने मुझे यह कहा था कि मैं धनुष भंग की शर्त रख चुका हूँ। रुद्र चाप भयानाम संप्राप्तस्तु स्वयंवरे मनो में संस्थितं तावन निमग्नं विरहातुरम्। शंकर जी के धनुष के भय के कारण मैं उस समय स्वयंवर में सम्मिलित नहीं हुआ था। उसी समय से विरह वेदना से पीड़ित मेरा मन तुम्हें ही लगा हुआ है। वनित संस्थितां श्रुत्वा पूर्वानुरागमोहितः
आगतस्नाय सितापांगी सफलम कुरु देशवम। हे श्याम नैनो वाली, तुम इस वन में रह रही हो यह सुनकर तुम्हारे पति पूर्व प्रेम के अधीन हुआ मैं यहाँ आया हूँ, अब तुम मेरा परिश्रम सार्थक कर दो। श्रीमद देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रयाम संहितायाम तृतीय स्कंधे रामचरित वर्णनम नामाष्ट विंशो अध्यायः।